सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं गुलढर RRTS का स्टेशन कि उस पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, कितना बाकी बचा है, क्या क्या अभी वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, वो सब कुछ आप सभी को दिखाने की और बताने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए केपी संत के साथ एंड तक दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आपको बता दूं दोस्तों कि काफ़ी टाइम के बाद मैं आप सभी के बीच ये NCRTC की RRTS जो चलाई जा रही है, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर 82 किलोमीटर का रूट है इसका दोस्तों, और ये 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जानी है दोस्तों। और आपको बता दूं इसका जो एंट्री एग्जिट पॉइंट था राइट हैंड वाला जो चमक रहा, वो पहले ही बनके कंप्लीट हो चुका है। अब लेफ्ट हैंड वाला बचा हुआ है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इसका जो वॉक वे है वो जोड़ा जा रहा है लेफ्ट हैंड वाला, ये देख सकते हो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और आपको बता दूँ कि नीचे का इस पर पेंट का काम चल रहा है दोस्तों, इस पर पेंट किया जा रहा है इस गुलढर RRTS के। दोस्तों ये है गुलढर का RRTS का स्टेशन, देख सकते हो। तो अभी एंट्री एग्जिट पॉइंट एक तो बन के कम्प्लीट हो चुका है, उधर वाला, इधर वाला बनाया जा रहा है। तो देख सकते हो ये वॉकवे का जोड़ दिया इन्होंने, अभी इस पर पेंट किया जा रहा है गुलढर के स्टेशन पर, और इधर ये अभी बनाया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हो तस्वीर है। तो अभी इसमें अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से इसमें काम चल रहा है, देखो उधर भी अभी बनाया जाएगा और इधर ये काम चल रहा है। और इसके बाद मैं आप सभी को लेकर चलूँगा, मैं दुहाई का RRTS का स्टेशन भी दिखाएंगे चल के। तो अभी यही वर्क चल रहा है इस पर RRTS के स्टेशन गुलढर। देखो अभी ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो दिखाते हैं आपको, उधर से दिखाते हैं चल के कि कैसा इसमें देखने में लगता है दोस्तों। तो अभी ये बनाया जा रहा है, बाकी आपको देखो ये पिलर तो इन्होंने खड़े कर दिए हैं बना के, अब इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाना है। तो यही वर्क चल रहा है। और बाकी स्टेशन देख सकते हैं, इसका डिजाइन यहाँ का कुछ ऐसा है, ये देखो ये स्टेशन बनाया जा रहा है। तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा, देखो ट्रेन मशीन भी खड़ी हुई है। तो इस तरीके से ये जोड़ रहे हैं, अभी यहाँ तक भी जोड़ा जाएगा, उन्होंने सेटरिंग लगा दी है। तो देखो अभी ये बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं चल के दुहाई का RRTS के स्टेशन के वहाँ पर कितना कुछ काम हो चुका है इस टाइम पे। तो चलते हैं, चलो। दुहाई के RRTS के स्टेशन पर देख सकते हैं, एक तो एंट्री एग्जिट पॉइंट इधर है इस साइड में, और दूसरा ये देख सकते हो वॉकवे, इन्होंने दोनों को कनेक्ट कर दिया है।
इसका काम किया जा रहा है। देखो यहाँ से इस स्टेशन के अंदर चला जाता है, और दूसरा देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट ये है जिस पर काम अभी चल रहा है तेज़ी के साथ में, जो कि अभी नहीं हुआ है बन के कम्प्लीट। तो इसकी सीढ़ियाँ पीढ़ियाँ तो बन गई हैं, और एक्सीलेटर ये रखे हुए हैं, इसके जो एक्सीलेटर लगाया जाएगा वो दोस्तों यहाँ पर लगाया जाएगा इस जगह जहाँ पर ये सेटलिंग लगी हुई है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क चल रहा है दोस्तों दोहाई RRTS के स्टेशन पर। इसका आपको बता दूँ फ्लोरिंग का और सैड का काम इन्होंने कर दिया है दोस्तों। देखो मैं इधर से आपको दिखा दूँ, देखो इधर से इन्होंने देखो ये ऊपर का सैड बन चुका है दोनों साइडों का, जो कि अभी इस पर वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में। अभी वहाँ पर भी बॉल बनाएंगे, और देखो अभी इस पर भी ऊपर का सेट बनाया जाएगा। तो अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है बनके। देखो ये मार्बल ये रखा हुआ है, एस्केलेटर भी रखे हुए हैं, ये देख सकते हो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के दोहाई RRTS स्टेशन के दोस्तों। तो अभी इस पर वर्क चल ही रहा है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसे बनने में, और अगले महीने से RRTS यहाँ पर स्टार्ट भी की जाएगी दोस्तों। तो आपको बता दें स्टेशन के RRTS के स्टेशन के नीचे अभी पेंट करने का काम चल रहा है। इधर ये देख सकते हैं ये सेटिंग लगी हुई है, इस पर अभी कंक्रीट का मसाला भरा जाएगा, और वो सेट के लिए वो खंभे भी लगाए जा रहे हैं। तो अभी काम इस पर है। अब चलो आगे का दिखाते हैं चल के उस साइड का कि उस पर क्या क्या काम चल रहा है अभी इस टाइम पर। तो इन पर बस यही वर्क चल रहा है दोस्तों, देख सकते हो तस्वीरें। देखो ये अब सारी साफ़ सफाई होगी फिर ये काम चलेगा, ये देख सकते हो। देखो दोस्तों एक ये बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट, जो कि पिछली बार जब मैं आप लोगों को 2 महीना पहले दिखाया था तब इस पर काम चल रहा था। अब देखो ये सीढ़ियाँ बना दी जा चुकी हैं जिस पर सेटिंग लगी हुई है, सीढ़ियाँ बनाने का काम चल रहा है, और इसमें जो वॉकवे है वो भी कनेक्ट किया जाएगा यहाँ से, ये देख सकते हो। दूसरी साइड का तो उधर पहले ही बन के कम्प्लीट हो गया था, वो पहले ही इनका पहले ही बन के कम्प्लीट हो चुका था जो मैंने आप सबको दिखाया था, तो वो तो बन के कम्प्लीट ही हो गया। और अंदर अभी इसमें आपको बता दूं कि पेंटिंग का काम चल रहा, पेंट किया जा रहा है। तो देखो कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है यहाँ पे, जो वर्क है वो चल रहा है तेज़ी के साथ में। अभी ये सारा पत्थर देखो, ये पत्थर है जो वो यहाँ लगाया जाएगा, और अंदर तो पत्थर लगने का जो काम था वो तो हो चुका है। देखो लिफ्ट विफ्ट सब लग चुकी हैं यहाँ पर, तो यही वर्क है, तस्वीरें देख सकते हो। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको अपडेट दी थी, तो मैं किसी कारणवश मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा था, जो कि सेटिंग लग गया और अब ये काम किया जा रहा है, और इसको वॉकवे को यहाँ पर ये कनेक्ट किया जाएगा, जो कि ये दोनों पिलर बन के कम्प्लीट हो गए हैं। उधर का देखो वो सेटिंग लगी हुई है, कंक्रीट का मसाला भर दिया है, और इधर सीढ़ियों पर भी भर दिया जाएगा, फिर उसके बाद में एक्सीलेटर लगाए जाएंगे दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है दोहाई के RRTS के स्टेशन पर, जो भी वर्क है। तो चलते हैं आगे, तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं देखो आप लोगों को इधर से दिखा देता हूँ कि अंदर से जो इसका डिज़ाइन बनाने का काम है वो किस तरीके से किया गया है दोस्तों। देखो कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया है इन्होंने, अब दिखाई दे रहा है आप सभी को। काफ़ी ऊंचा ये स्टेशन है, और जल्दी ही यह बन के कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों, जिस पर रैपिड रेल दौड़नी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो अभी ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का ही वर्क चल रहा है, देख सकते हो आप लोग अपनी आँखों से।
क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। और आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं के पी संत के चैनल पर। दोस्तों चलते हैं आगे, दिखाते चल के आप सभी को।